तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो जो चैनल पे नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि शिकाड़ाई को छोड़कर रियोगी भाग जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे इनोजिन और चोचो आ जाते हैं और बोलते तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। पुलिस चीफ कोतारो ने सारे गैनियंस को एक तरफ इकट्ठा होने के लिए बोला जल्दी चल वहाँ पे। तो शिकाड़ाई बोलते हैं कि उनको हमसे क्या काम है, गैनियन की क्या जरूरत है। तो चोचो बताती है क्योंकि कामिनारी मोन ग्रुप ऑफ कंपनी के पास बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कामिनारी मोन ग्रुप ऑफ कंपनी के पास जा रहे होते हैं और उन ग्रुप्स को जो लीड कर रहा होता है उसके गले पे एक टैटू बना होता है अजीब सा, जो कि हमने पहले ही देखा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गेको रियोगी से बोलता है कि मुझे नहीं पता था तेरी टेक्निक इतनी ज़्यादा काम करेगी इस विलेज पे ऊपर। लेकिन रियोगी जो था वो भी शिकाड़ाई के बारे में सोच रहा होता है कि उसको पता चल चुका है कि वो ब्याकुआ गैंग का मेंबर है। तो यहाँ पे गेको रियोगी से बोलता है कि हम लोगों को क्रेस्ट ऑफ नाइट स्ट्रेटजी को अपनाना होगा, अब जल्दी चलते हमें काम करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोतारो उन सबको बताता है कि एक पर्चा बटा था कल रात को गाँव में कि हम लोग लीफ विलेज को रीबॉर्न करने वाले हैं और लीफ विलेज को पूरा बदलने वाले हैं। जो 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 हमारे साथ है, हमारा साथ देना चाहता है, वो सारे कामिनारी ग्रुप्स ऑफ कंपनी के बाहर आ जाना प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हम लोगों को एक काम करना होगा, उन लोगों को हटाना होगा। तभी साय बोलता है कि अब ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते और हम ये भी बात नहीं टाल सकते कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सारे सिविलियंस हैं, तो हम लोग उनको चोट भी नहीं पहुँचा सकते। तो कीवो बताता है कि मतलब हम लोगों को उनको मनाना पड़ेगा और उन लोगों को कामली हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। तो बोल्टो भी सेम बात बोलता है और बोलता है कि अगर इस मामले में कोई भी सिविलियन हर्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो कोनोवर बोलता है कि हम लोग निंजा हैं तो इतनी चिंता मत कर, हम लोग उनकी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कोतारो उनको बोलता है कि तुम सब लोग अपनी टीम के साथ चले जाओ क्योंकि मैं सब लोगों को एक एक मिशन देने वाला हूँ, असाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मोई की सेंसे आती है और इनाशिका चो को एक मिशन देती है कि बोलती है तुम लोगों को कंपनी के हेडक्वार्टर के पास जाना होगा और तुम्हारा काम वहाँ पे होगा। तो इनोजिन बताते लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो बच्चे, हम लोग कैसे संभाल पाएंगे सब कुछ। तो मोई बताती है तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ शिकाड़ाई है ना, शिकाड़ाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ अपने आप देख लेगा। लेकिन शिकाड़ाई जो होता है अभी भी रियोगी के बारे में सोच रहा होता है कि रियोगी को मेरे पास पकड़ने का टाइम था फिर भी मैंने उसको पकड़ा क्यों नहीं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इवाबे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और सारे गैनिन और चोरिन जो मिशन पे चले गए। तो इवाबे बोलता है कि हम लोग भी काम करा सकते हैं लेकिन हमको सस्पेंड क्यों किया गया आखिरकार। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनोशिका जो होते हैं वो सारे प्लान बना रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि प्रोटेस्टर्स किस तरफ से आ रहे हैं। तभी शिकाड़ाई सोचता है कि ये सारे जो प्रोटेस्टर्स की मूवमेंट है ये मुझे किसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फैमिलियर सी लग रही है। तभी चोचो बोलती है सारे तो तेरे शोगी के पीसेस की तरह लग रहे हैं मुझे, प्रोटेस्टर्स इस तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी शिकाड़ाई देखता है कि जहाँ पे शोगी में किंग होता है वहाँ पे कोई भी प्रोटेस्टर नहीं है। तो शिकाड़ाई उस जगह का हाथ लगा के इनोजिन से पूछता है इनोजिन यहाँ पे क्या है आखिरकार, यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्टर नहीं है। तो इनोजिन बोलता है हाँ हाँ ये तो वही है कतास्की की लैब है ये, जो जहाँ पे बोरूटो बार बार जाता रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वो नहीं है प्रोटेस्टर। तो शिकाड़ाई बोलता है कि ये सारा जो प्रोटेस्ट है वो एक डिकोय है, यानी कि डाइवर्जन है हम लोगों को वहाँ से ध्यान बटाने के लिए, असली जो चोरी होने वाली है वो कतास्की की लैब में होने वाली है। तभी उसको याद आता है कि हमें सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए और चुपचाप देखने के लिए बोला गया था, तो वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है। तो इनोजिन बोलता तुम कहाँ जा रहे हो, तो शिकाड़ाई बोलता मुझे कोई काम याद आ गया। तो यहाँ पे शिकाड़ाई को भागते हुए देखकर बोरूटो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और बोलता है कि शिकाड़ाई कहाँ पे जा रहा है, मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। तो सारदा उसके पीछे जाने लगते हैं, तभी मिस्की उसको रोक लेता है, कहता है कि अगर बोरूटो को कोई काम याद आया और बोरूटो शिकाड़ाई के पीछे जा रहा है तो वो बिल्कुल सही कर रहा होगा, हम लोगों को उसको रोकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कीबा वगैरह जो होते हैं वो कामिनारी ग्रुप ऑफ कंपनी के बाहर खड़े होते हैं और सारे प्रोटेस्टर वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कतास्के की लैब के अंदर ब्याकुआ गैंग पहुँच जाती है और सारे रिसर्चर्स को मारने लग जाती है और उनको बेहोश करवा देती है। तो यहाँ पे कतास्के उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या हो, ब्याकुआ गैंग को आखिर मेरे रिसर्च लैब में क्या काम है। तो गेको बोलता है कि हमें तेरा निंजुत्सु डाटा चाहिए जो तूने इतने सालों से इकट्ठा किया है। तो वो लोग उससे डाटा चुरा लेते हैं। तभी बोरूटो शिकाड़ाई के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि अच्छा तो मतलब कतास्की की लैब में होने वाली है सारी चोरी। तो ये वहाँ पे चोचो और इनोजिन भी आ जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारी टीम के मेंबर हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, चाहे तो कुछ भी कर शिकाड़े, हम तेरे साथ चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सारदा के पास डेंकी आता है और उन लोगों को बताता है कि मैं इन सब लोगों की मूवमेंट्स को चेक कर रहा था लेकिन मुझे लग रहा है कि इन जो प्रोटेस्टर्स की जो मूवमेंट एक्शंस हैं वो कुछ अलग है, नॉर्मल सिटीजन से अलग है। तो भी सारदा अपने शारिंगन का इस्तेमाल करके देखते हैं कि इन ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं उन सब लोगों के गले पे एक अजीब सा निशान है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैसे शिकाड़े और बोरूटो उस लैब में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं सब लोग बेहोश होते हैं। तो बोरूटो कतास्के से पूछता है कि यहाँ पे आखिरकार क्या हुआ। तो कतास्के बोरूटो को सब कुछ बताता है कि ब्याकुआ गैंग ने मेरा मैग्नम ओपस चुरा लिया, यानी कि मेरा नया डिवाइस चुरा लिया, तो आप उनको प्लीज़ पकड़ लो। मैंने ब्याकुआ गैंग के लीडर के पीछे एक ट्रांसमीटर भी लगा दिया है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो आसानी से, ये गैजेट ले जाओ और आप उसको पकड़ लो, प्लीज़ यंग लॉर्ड मेरा डिवाइस वापस ले आओ मेरे लिए। तो बोरूटो वगैरह उसके पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेंकी जो होता है अपने फादर के पास और मिस्टर कतास्के कोतारो के पास आता है और उनको सब कुछ बता देता है कि हमने देखा जो जो इन ग्रुप्स को लीड कर रहा है उन सबके गले पे एक अजीब सा निशान है, शायद ये गेंजुत्सु में फंसे हुए। तो डेंकी का पिता उसको बोलता है शाबाश डेंकी तुमने आज मेरा गर्व सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गेको भाग रहा होता है, तभी उसकी टीम वाले मेंबर उससे पूछते हैं लेकिन इस स्क्रॉल में आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो गेको बताता है कि इसके अंदर सारे निंजुत्सु डाटा स्टोर्ड है, चाहे वो निंजुत्सु हो या फिर केके गेंकाई हो, जो जो आज तक इस वर्ल्ड में निंजुत्सु या केके गेंकाई बना है वो सारे इसके अंदर स्टोर्ड है। तो रियोगी बोलते हैं लेकिन हम सब लोग ये इसलिए चुरा रहे हैं ना ताकि लोगों का भला कर सकें। तो गेको बोलते हैं हाँ हाँ इसीलिए चुरा रहे हैं ताकि हम लोगों का भला कर सकें। तो वहाँ पे चोचो आ जाती है और बोलते हैं मैं तुम लोगों को इसके साथ भागने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी वो पीछे से बोरूटो वगैरह आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग चाहे कितना भी भाग लो लेकिन तुम लोग हमारे ट्रांसमीटर से भाग नहीं सकते। तो
तो यहाँ पे गेको की टीम के मेंबर गेको को बोलते हैं कि आप लोग रियोगी को लेकर जाओ और ये सामान लेकर जाओ, हम लोग इसको देख लेंगे। तभी शिकाडाई जो होता है वो रियोगी के पीछे भाग जाता है और उसी के पीछे पीछे बोरुटो भाग जाता है। यहाँ पे सिर्फ इनोजिन और चोचो बच जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिराई जो है वो बाकी सब लोगों, ये जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको गेंजुत्सु से रिलीज करने लगते हैं। तो उन लोगों को होश आ जाता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनोजिन और चोचो अकेले बचते हैं उस पूरी गैंग के सामने। तो वो लोग उससे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो एक गैंग का मेंबर होता है वो उन लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से हरा रहा होता है, क्योंकि आखिरकार ये है तो बच्चे ही गैंग। तो यहाँ पे शिकामारो आ जाता है और उस बंदे को हरा देता है और उसको पकड़ लेता है, बांध देता है। फिर वो इनोजिन वगैरह को बोलता है कि वैसे तो तुम गेनिन को अलाउड नहीं था तुम्हें फाइट करनी है, लेकिन मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ क्योंकि ये अर्जेंट था। तो यहाँ पे हम लोग इतने शारदा भी मिराई की हेल्प करती है और सारे जो लीडर्स होते हैं उनको जुस्सू से छुड़ा लेती है। तभी नारुतो वहाँ पे आता है और उन सब लोगों को स्पीच देता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कामिनारी मोन ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में जो भी खबरें फैल रही हैं वो सारी झूठी हैं और वो सारी र्यूमर्स हैं, उन सबको ब्याकुआ गैंग ने फैलाया है, जिन लोगों के हम पकड़ रहे हैं। शिकाडाई ने उन लोगों को, शिकामारू ने उन लोगों को पकड़ लिया। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग सिर्फ मेरा साथ दीजिए और मुझे अपनी स्ट्रेंथ दीजिए, मैं आप लोग सब लोगों को एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि मैं आपका होकागे हूं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकामारू को इनोजिन और चोचो बता देते हैं कि शिकाडाई और बोरुटो उनके पीछे भाग गए, आपको उनके पीछे जाना चाहिए जल्दी जल्दी क्योंकि वो दोनों भी आखिरकार बच्चे ही हैं हमारे तरह, तो उनको कुछ भी हो सकता है। तो शिकामारू बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि ग्रुप विलेज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे उन सबको लोगों को रोकना है। तो अगर बोरुटो और शिकाडाई उनके पीछे गया तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो लोग संभाल लेंगे सब कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकाडाई और बोरुटो रियोगी और उसके गेको के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी गेको और रियोगी जो होते हैं वो आगे जाके स्मोक अप आके ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके पीछे पीछे बोरुटो और शिकाडाई भी उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे गेको रियोगी से पूछता है कि एक बार हम लोग इस हिडनली विलेज की बॉर्डर से निकल गए फिर हम लोगों को कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। तो बोरुटो बोलता है तुम लोग पक्के श्योर हो गया, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।